हाय गाइस, माय नेम इज श्वेकोदा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए कहानी सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे 4:30 और हम लोग फाइनली अभी निकल रहे हैं कुंडलिका वैली के लिए। सो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन पे जाने वाले, डिस्क्रिप्शन में हमने देख ही लिया होगा कहाँ पे जाने वाले। सो लेट्स गो देयर। कहानी में हम इन सफ़र का मज़ा लेते हुए और इन नज़ारों को निहारते हुए थोड़ा आगे चल दिए। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुंडलिका वैली और यहाँ के नज़ारे जो है वो आप ही देख लीजिए कैसे यहाँ के नज़ारे। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप, यहाँ से हमें अपना ट्रैक शुरू करना है। हम अपने गाइड का वेट कर रहे हैं, देखते हैं वो जब तक के आते हैं, तब तक के हम कुछ आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं। तो सुबह के बज रहे 8 और हम लोग फाइनली जो है अपना अंधारबन ट्रैक चालू करने वाले। सो अंधारबन ट्रैक जो है कुंडलिका वैली के थोड़े आगे से शुरू होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंधारबन ट्रेल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो आपको ये यहाँ पे एक छोटा सा डैम टाइप का दिखेगा और एक ये घर दिखेगा एंड वहाँ से फिर जो है आप अंधारबन ट्रैक शुरू कर सकते हैं। तो करते शुरू अंधारबन ट्रैक। मैडी कितने किलोमीटर का ये? हमारे साथ आज हमारे गाइड है आनंद भैया। सो आनंद भैया, हमें कैसे क्या कौन सा रूट फॉलो करना है और कहाँ जाना है, क्या क्या हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज थोड़ा बता दो आप। हिंदी में बताओ। हाँ अरे चलेगा बिल्कुल, मराठी में भी चलता है। इतना अपन स्टार्टिंग करना अंधारबन ट्रेकिंग डायरेक्ट, म्हणजे आतमध्ये गेलं तुम्हाला पूर्ण माहिती देणार मी, कुठं कुठं वॉटरफॉल आहेत मोठे, कुठं अडचण काय येणार तुम्हाला, कसं काय होणार सगळे तुम्हाला डिटेल माहिती देणार। कुल्लेर पाणी आतमध्ये आहेत कुल्ले नाही, पूर्ण आपला हा 16 किलोमीटरचा ट्रेक आहे। इथनं जाऊ आपण, इथनं स्टार्ट होईन, तिथनं खाली येणार बिरा डॅमला उतरणार आपण, बिरा डॅम उतरलं आपला ट्रेक खतम होणार। सो 16 किलोमीटर का ये ट्रैक है आपने सुना, और आनंद भैया का मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। ये इनका नंबर कभी कभी रीचेबल नहीं आता है, सो आप क्या कर सकते हो, उनका वो व्हाट्सअप नंबर भी है ना, सो वो उनका व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको अंधारबन ट्रैक करना है तो वो काफ़ी अच्छे गाइड है ना, हमें भी किसी ने रिकमेंड किया था तो मैं उनका नंबर मेंशन कर दूंगा। सामने की पूरी विजिबिलिटी ज़ीरो है और ये जो है एक डैम आता है, यहाँ से हमको चल के जाना है। सो जैसे कि हम लोग फ्राइडे को आए हैं अंधारबन ट्रैक करने, सो कोई आया नहीं है ज़्यादा पूरा, लाइक हम 5 ही लोग चल रहे एंड हम लोग अंधारबन के अंदर है। अंधारबन मतलब बेसिकली होता है अंधार, मतलब मराठी में होता है अंधेरा, लाइक इट्स मीन्स डार्क। सो और बन मतलब पता ही होगा फॉरेस्ट, सो इट्स अ डार्क फॉरेस्ट।
वाटरफॉल में इंजॉय करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रूट जो है वो कवर करना है, ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है और हम लोगों ने कुछ भी कवर नहीं किया है। तो अभी थोड़ा स्पीड अप करते जर्नी को, है ना। तो कुछ नज़ारे दिखा दे आपको, वो देखिए आप इन 3, 2, 1। जो मार्किंग लगी हुई है, जैसे अगर आप गाइड के साथ नहीं आते तो ऐसे ऑरेंज कलर के मार्किंग्स लगी हुई है, सो आप जो है उन मार्किंग्स को फॉलो करके ट्रेल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एक काफ़ी प्यारा वाटरफॉल था, पता नहीं कितना आया है तो एडिट के बाद ही समझ में आएगा। तो वो जो पहाड़ है वहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था एंड हम लोग ऐसे घूम के पूरा राउंड करके हम लोग अभी उसके एकदम अपोजिट में आके थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। काफ़ी तेज़ बारिश आ गई एकदम से और फाइनली हम लोगों के रेनकोट काम आ गए। छाता लेके व्लॉग हो रहा है क्योंकि सामने कैमरा है और कैमरा मैं गीला नहीं करना चाहता हूँ, तो यही है स्ट्रगल भाई। सो हमने काफ़ी स्पीड पकड़ लिया है और लगभग नेक्स्ट आधे घंटे में हमने 3 किलोमीटर कवर कर लिया है, 3-3.5 किलोमीटर। अभी हम लोग चल ही रहे काफ़ी देर से चल रहे हैं, 4 घंटे हो गए, चार घंटे से चल ही रहे। ये जो है पूरा प्लेन है जंगल ख़त्म होने के बाद। इच्छा तो क्रिकेट खेलने की हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो बादल है ऊपर आसमान में वो हमें जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो एक गांव आने वाला है अभी थोड़ी देर में, सर कहाँ गया, सो वहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। गांव आया बीच में, हेडी नाम का गांव है और ये गांव में शायद नाश्ता वगैरह मिल जाता है वीकेंड्स पे, आज तो थोड़ा मुश्किल है। फाइनली डिसेंड कर रहे, जो गांव आया था वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद हम लोग अभी ऐसे टाइप का डिसेंड है, तो उतर रहे अभी हम नीचे डैम की तरफ जा रहे, जो अंधारबन ट्रैक है उसके आखिरी के कुछ किलोमीटर्स बचे हुए, सो वो कवर करते जल्दी जल्दी एंड उसके बाद कल भी मचाना ही है, कल भी कुछ नया करेंगे। हमें फाइनली डैम दिखाई दे रहा है नीचे जहाँ पर हमें जाना है। हालत आप देख ही रहे हैं, काफ़ी बुरी हो गई है और लगभग नीचे उतर रहे हैं अभी। लाइक हमने 8 बजे शुरू किया था और अभी लगभग 8 घंटे हो चुके हैं, इट्स बिन 8 आवर सिंस वी आर ट्रैकिंग। सस्ता ड्रोन शॉट एंड चल, तो एक ही गाना याद आ रहा है, यू ही चला चल रहा ही कितनी हसीन है ये दुनिया। ओ
सारे झमेले ते फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये ऐसा है कि जीतू भैया भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ इसलिए मत करो क्योंकि सब कर रहे हैं, इसलिए करो क्योंकि तब चीज़ें करने में ज़िंदगी में मज़ा आता है। तब तो था ट्रैक क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से हमारा मतलब जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है वर्क फ्रॉम होम की वजह से, तो टफ तो लगा ट्रैक लेकिन काफ़ी मज़ा आया और नज़ारे जो है नज़ारे सारी थकावट भुला देते हैं। तो सेइंग दिस साइनिंग ऑफ शोइकॉत AKA ट्रैवलिंग वॉन्डरर, वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस। GoPro, stop recording.